हेलो गाइस, दिस इज़ सनी गुलवे और आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग इन फॉरेक्स मार्केट की। इसके पहले मैं ऑलरेडी फॉरेक्स के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ, बेसिक्स इन फॉरेन एक्सचेंज। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि उसके बाद आपको ये समझने में थोड़ी आसानी होगी। ठीक है, तो फॉरेक्स मार्केट के अंदर हम ये चार चीज़ें देखने वाले हैं: स्पॉट मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट, स्वाप्स एंड डेरिवेटिव्स। पर आज के लेक्चर में हम सिर्फ ये दोनों की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो स्पॉट मार्केट क्या होता है? इट इज़ एन ओवर द काउंटर मार्केट। इसका मतलब ये है कि ये मार्केट में जो आप करेंसी में डील करने वाले हो, उसके लिए आपको किसी स्टॉक एक्सचेंज पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप RBI द्वारा प्रमाणित जो भी ऑथोराइज डीलर है, जो कि जनरली बैंक्स होते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट करके डायरेक्टली ये ट्रांजेक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा ही ट्रांजेक्शन एक हम देखते हैं कि इंडिया में से कोई एक्सपोर्टर है जो अपने गुड्स या तो सर्विसेज US में दे रहा है। ठीक है, तो ये US वाला जो इम्पोर्टर है, वो इंडिया के एक्सपोर्टर को क्या देगा? वो उसको डॉलर देगा, क्योंकि वो उसकी करेंसी है। ठीक है, नाउ ये जो एक्सपोर्टर है वो क्या बोल रहा है कि जिस दिन मैं मेरे गुड्स की डिलीवरी करूँ तुमको, मुझे उसी दिन डॉलर मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो इम्पोर्टर भी अग्री कर लेता है कि वांधा नहीं, जैसे ही हमारे यहाँ तुम्हारा माल पहुँच जाएगा, हम उसी दिन तुमको ये माल के हिसाब से डॉलर दे देंगे। ठीक है, तो अब ये जैसे ही डॉलर मिलते हैं ये एक्सपोर्टर को, वो क्या करेगा? डॉलर लेके सीधा ऑथोराइज डीलर के पास जाएगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बैंक के पास जाता है, और वो बैंक को क्या बोलेगा कि भाई ये लो मेरे डॉलर और उसको मुझे रुपये में कन्वर्ट करके दो। ठीक है, तो अब जैसे ही वो डॉलर कन्वर्ट करने की बात करेगा बैंक से, बैंक क्या करेगा? उसको एक प्राइस कोड बताएगा कि भाई हमारा प्राइस कोड इस प्रकार से है। तो ये प्राइस कोड में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? USD INR, ये करेंसी दर्शाते हैं। USD का मतलब है US डॉलर्स एंड INR मीन्स इंडियन रुपीज़। ठीक है, और उसके बाद लिखा होगा स्पॉट। स्पॉट मतलब ये जो तुम ट्रांजेक्शन कर रहे हो वो स्पॉट मार्केट में हो रहा है, तो इसके लिए हम तुमको स्पॉट रेट दे रहे हैं। ठीक है, स्पॉट मार्केट के अंदर जो ट्रांजेक्शन होता है वो उसको ऐसा स्पॉट क्यों बोला जाता है? क्योंकि जिस दिन का वो रेट है, मतलब ये रेट, वो उसी दिन लागू होगा जिस दिन तुम ट्रांजेक्शन कर रहे हो। मतलब सपोज़ तुम आज बैंक में गए और बैंक ने तुमको स्पॉट रेट ये बोला, तो अगर तुम आज के आज ट्रांजेक्शन करते हो तो ही ये रेट लागू होगा। ठीक है, कल शायद ये रेट बदल सकता है। ठीक है, इसलिए उसको बोला जाता है स्पॉट रेट। और बैंक ये दो रेट देगी। पहला जो रेट है उसको बोलेंगे बिड रेट या बाइंग रेट, और दूसरे रेट को बोलेंगे आस्क रेट या सेलिंग रेट। ये दो रेट बैंक इसलिए देती है क्योंकि अगर सेम रेट रखा बाइंग और सेलिंग का, तो इसमें बैंक को कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, बैंक यहाँ पे सेवा करने थोड़ी बैठी है। आपको अगर वो ये फैसिलिटी दे रही है डॉलर से रुपी में या रुपी से डॉलर में कन्वर्ट करने की, तो वो भी अपना कुछ मार्जिन लेगी, वो भी अपनी कुछ फीस लेगी। ठीक है, तो ये जो उसका बाइंग रेट है और उसका जो सेलिंग रेट है, उसके बीच का जो मार्जिन है वो किसका होता है? बैंक का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है बैंक का जो प्रॉफिट है उसको बोलते हैं बिड आस्क स्प्रेड। वो क्या होता है? आस्क रेट माइनस बिड रेट। नाउ अब ये जो सबसे पहले जो करेंसी लिखी गई है उसको बोलते हैं बेस करेंसी। यहाँ पे जो रेट लिखा जाएगा वो किसका लिखा जाएगा? बेस करेंसी का लिखा जाएगा। ठीक है, मतलब ये प्राइस जो है वो किसका है? एक US डॉलर का। ठीक है, तो यहाँ की जो क्वांटिटी होगी पहली वाली वो हमेशा 1 होगी। ठीक है, और ये जो दूसरी करेंसी है स्लैश के बाद उसको बोलते हैं कोटेड करेंसी, जिसके फॉर्म में ये करेंसी लिखी जाती है। ठीक है, तो ये 67.20 क्या है? INR है। ठीक है, पर वो INR किसका रेट है? एक US डॉलर का रेट है। ठीक है, सो ये इस तरीके का कोट बैंक देती है जनरली। नाउ ये जो हमने कोट देखा उसको बोलते हैं डायरेक्ट कोट। ठीक है, तो डायरेक्ट कोट की डेफिनेशन क्या होती है? जब भी ये कोटेड करेंसी जो होती है वो हमारी डोमेस्टिक करेंसी होती है, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट कोट। ठीक है, तो ऑब्वियसली इनडायरेक्ट कोट भी होगा, इनडायरेक्ट कोट इसका उल्टा होगा। मतलब ये जो बेस करेंसी है
अगर वो डोमेस्टिक करेंसी हुई तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट कोड। तो अब यहाँ पे ये जो प्राइस लिखा गया है वो किसका प्राइस है, 1 रुपये का। जैसे यहाँ पे ये प्राइस था 1 डॉलर का, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे प्राइस है 1 रुपये का, और वो किसके फॉर्म में लिखा गया है, डॉलर के फॉर्म में। मतलब इसका मतलब ये है, 1 रुपया मतलब 0.01488 डॉलर, ये बिड रेट है, और 1 रुपया बराबर 0.01498 डॉलर, ये आस्क रेट है, ठीक है। और ये मैंने एक्चुअली रैंडमली लिख दिया है, मैंने कुछ आगे से आगे का जो रेट है उसको डिराइव करके ये नहीं लाया है। बट अगर आपको ये जो डायरेक्ट कोट है इससे आपको अगर इनडायरेक्ट कोट में जाना है तो उसका फॉर्मूला इस प्रकार से है, ठीक है। USD INR क्या था, डायरेक्ट कोट था, उसका आस्क रेट लो और उसको इन्वर्स कर दो तो INR USD का बिड रेट मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से USD INR का बिड रेट लो और उसको इन्वर्स कर दो तो INR USD का क्या मिल जाएगा, आस्क रेट, ठीक है। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट कोट से इनडायरेक्ट कोट ट्रांसफ़र कर सकते हो, या इनडायरेक्ट कोट से डायरेक्ट कोट में भी जा सकते हो। अब हम देखते हैं कि क्रॉस रेट्स क्या होते हैं। तो क्रॉस रेट का मतलब ये है कि अगर आपको USD INR का एक्सचेंज रेट पता है और USD JPY का एक्सचेंज रेट पता है, JPY मीन्स जैपनीज येन, तो इन दोनों का यूज़ करके आप INR JPY के बीच का एक्सचेंज रेट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पहली लाइन है, USD INR का स्पॉट रेट दिया गया है, बिड एंड आस्क रेट, उसी तरीके से ये जो दूसरी लाइन है इसमें USD JPY का स्पॉट रेट दिया गया है, ठीक है, बिड एंड आस्क रेट। तो इन दोनों का यूज़ करके हमको निकालना है JPY INR का बिड और आस्क रेट, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला याद कैसे रखना है, तो उसके लिए ये जो JPY/INR है इसको कैसे समझना है कि JPY न्यूमरेटर में है और INR डिनोमिनेटर में है, ठीक है। ये मान लो ये डिवाइड का निशान है, तो JPY अगर न्यूमरेटर में है तो वो फॉर्मूला में डिनोमिनेटर में रहेगा, तो इसलिए USD JPY यहाँ पे है, और JPY INR न्यूमरेटर है, सॉरी JPY न्यूमरेटर में है तो यहाँ पे भी USD JPY डिनोमिनेटर में रहेगा। तो ऑब्वियसली उसका जो उल्टा है INR, वो कहाँ पे जाएगा, ऊपर जाएगा, USD INR USD INR। और अब बिड आस्क में कैसे याद रखना है, अगर बिड पूछा है तो ऊपर बिड रखना है, नीचे आस्क रखना है, अगर आस्क पूछा है तो ऊपर आस्क रखना है, नीचे बिड रखना है, ठीक है। तो जो पूछा है वो ऊपर रखना है, तो ये चारों जो रेट हैं वो ऊपर दिए हुए हैं, बिड एंड आस्क रेट। तो उसका यूज़ करके आप JPY INR का बिड निकालोगे तो कितना आएगा, 0.6502, और JPY INR का आस्क रेट आएगा 0.6504, ठीक है। तो इनको बोलते हैं क्रॉस रेट्स, ठीक है, जो कि हम ऑलरेडी दो एक्सचेंज रेट का यूज़ करके निकाल सकते हैं। नाउ आर्बिट्राज, तो आर्बिट्राज देखने से पहले कि कैसे होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि आर्बिट्राज क्या होता है, आर्बिट्राजर क्या होता है। तो मार्केट के अंदर कई तरीके के लोग होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इन्वेस्टर। इन्वेस्टर का पर्पस क्या होता है, उसको कंपनी के शेयर में सिर्फ पैसा डालना है, उसको कोई तुरंत प्रॉफिट नहीं कमाना है, ठीक है, उसको पैसा वापस भी नहीं चाहिए, उसको एज एन इन्वेस्टमेंट उसने डाला है, ठीक है। दूसरे टाइप के लोग होते हैं ट्रेडर या स्पेकुलेटर, इनको पैसा डाल के तुरंत निकाल लेना है और उसके ऊपर उनको अच्छा खासा प्रॉफिट भी तुरंत कमा लेना है, ठीक है। तो इसके लिए वो लोग स्पेकुलेशन करते हैं, ठीक है। और तीसरा व्यक्ति जो कि सबसे स्मार्ट और सबसे सोफिस्टिकेटेड होता है, वो होता है आर्बिट्राइजर। क्यों स्मार्ट, क्योंकि आगे की दो जो कैटेगरी थी, इन्वेस्टर या तो फिर स्पेकुलेटर और ट्रेडर, वो लोग कहीं ना कहीं थोड़ा रिस्क लेते हैं। इन्वेस्टर भी रिस्क लेता है क्योंकि अगर उसने इन्वेस्ट किया और कंपनी का शेयर उसके हिसाब से चला नहीं तो फिर उसका पैसा डूब सकता है, और स्पेकुलेटर भी रिस्क लेता है क्योंकि अगर मार्केट उसके हिसाब से नहीं चला तो भी उसका पैसा जा सकता है। पर आर्बिट्राइजर हमेशा प्रॉफिट कमाएगा और वो रिस्क लेस प्रॉफिट कमाएगा, ठीक है, या तो वो ज़ीरो प्रॉफिट कमाएगा या पॉजिटिव में कमाएगा, बट वो कभी लॉस नहीं करेगा, ठीक है। तो इस केस में हम देखते हैं कि भाई आर्बिट्राज कैसे हो सकता है। एक ही कंट्री में बैंक ए ऐसा बोल रहा है कि भाई हमारा ऑस्ट्रेलियन डॉलर और INR का एक्सचेंज रेट इस प्रकार है, मतलब हम इस तरीके से खरीदेंगे या बेचेंगे इस रेट पे, और बैंक बी बोल रहा है कि भाई हम
हमारा जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर INR का जो स्पॉट रेट है वो इस प्रकार है, ठीक है। तो अब आर्बिट्राइजर क्या करेगा, सबसे पहले बैंक बी से एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर खरीद लेगा, ठीक है। बैंक बी ऑस्ट्रेलियन डॉलर कितने रुपए में बेच रहा है, 50.119, ये उसका बेचने का रेट है, ठीक है। तो ये 50.119 में बैंक बी से खरीद लेगा और बैंक ए को बेच देगा 51.010 में, ये बैंक का बाइंग रेट है, ठीक है। तो सिंपल, उसने 50.119 में ख़रीदा और 51.010 में बेच दिया, तो उसका रिस्कलेस प्रॉफिट कितना होगा, हर एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे उसको 0.891 रुपये का फ़ायदा हुआ, ठीक है। इसमें कोई रिस्क नहीं था, उसने सिर्फ सिस्टम में जो खामी है उसका फ़ायदा उठा के उसने प्रॉफिट कमाया है, ठीक है। तो ये जो आर्बिट्राज हमने देखा उसको बोलते हैं 2 पॉइंट आर्बिट्राज, क्यों, इसके अंदर दो करेंसी होती है और दो मार्केट्स इन्वॉल्व होते हैं। वैसे ही मार्केट के अंदर 3 पॉइंट आर्बिट्राज भी हो सकता है, जिसके अंदर तीन करेंसी और तीन मार्केट इन्वॉल्व हो। तो ये एग्ज़ाम्पल मैंने आपके लिए रखा है, आप ये पॉज करके लिख के ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। नाउ सेकंड केस, अगर ये हमने जो पहला जो देखा केस, इसमें क्या था कि ये एक्सपोर्टर ने क्या बोला था इम्पोर्टर को, कि भाई मैं जिस दिन तुम्हारे यहाँ डिलीवरी करूँ उसी दिन मुझे डॉलर मिल जाना चाहिए, ठीक है। पर ऐसा जनरली बहुत रेयर केस में होता है। जनरली क्या होता है, ये जो इम्पोर्टर है वो क्रेडिट पीरियड मांगता है, मतलब कि भाई आज मुझे माल दे दो, मैं तुमको 2 या 3 महीने में वो लौटा दूंगा, ठीक है। इसको बोलते हैं क्रेडिट पीरियड। तो अगर ऐसा हुआ कि भाई ये जो इम्पोर्टर है उसने क्रेडिट पीरियड मांगा 3 महीने का, ठीक है, पर ये जो एक्सपोर्टर है उसको क्या डर लग रहा है कि भाई आज के तारीख में एक्सचेंज रेट चल रहा है $1 = 70 रुपीज़, मतलब अगर मुझे ये US वाला $1 देगा तो मैं उसको एक्सचेंज करके कितना रुपए ले सकता हूँ, 70 रुपीज़। पर अगर 3 महीने के अंदर ये $1 बराबर 60 रुपया हो गया तो मुझे तो 10 रुपये का लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो वो इस चीज़ से डर रहा है, इसलिए वो जनरली क्या करता है, जिस दिन डिलीवरी हुई इसी दिन पैसे लेने का ट्राई करता है, ठीक है। पर अगर ये केस है, ठीक है, कि अगर ये इम्पोर्टर 3 महीने का क्रेडिट पीरियड मांग रहा है, तो इस केस में ये क्या करेगा एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर जाएगा फॉरवर्ड मार्केट में, ठीक है। हमने जो आगे वाला जो डॉलर वाले और रुपये वाले ट्रांजेक्शन देखे वो कहाँ थे, स्पॉट मार्केट में थे, ठीक है। ये है फॉरवर्ड मार्केट, पर ये भी ओवर द काउंटर मार्केट ही है, ठीक है। ये भी स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं होते हैं ट्रांजेक्शन, ये ऑथोराइज डीलर के पास ही होते हैं। तो स्पॉट और फॉरवर्ड रेट या स्पॉट और फॉरवर्ड मार्केट में डिफरेंस क्या है, तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जिस दिन तुम बैंक के पास या ऑथोराइज डीलर के पास जाते हो, ठीक है, और वो तुमको जो रेट बताता है, अगर उसी दिन आप ट्रांजेक्शन वो रेट पे करते हो तो उसको बोलते हैं स्पॉट रेट, ठीक है। पर फॉरवर्ड रेट क्या होता है कि आपको ट्रांजेक्शन कुछ टाइम बाद करना है, पर उसका रेट आज आज ही बताया जाएगा, ठीक है। मतलब ट्रांजेक्शन, फॉर एग्जांपल, ये जो एक्सपोर्टर है वो 1 महीने बाद करेगा ऑथोराइज डीलर के साथ या बैंक के साथ, पर वो किस रेट पे ट्रांजेक्शन करेगा वो रेट जो है वो आज ही बताया जाएगा एक्सपोर्टर को, ठीक है। और बैंक्स के पास जनरली ये 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना, ये जो स्टैंडर्ड मंथ्स हैं उसके फॉरवर्ड रेट्स रेडीली अवेलेबल होते हैं, ठीक है, क्योंकि जनरली लोग इस मंथ्स पे ही ट्रांजेक्शन करते हैं। तो अब क्या होगा, जैसे ही वो बैंक के पास जाएगा एक्सपोर्टर, बैंक उसको क्या बोलेगा कि भाई तुम्हारा जो इम्पोर्टर है वो तुमको 3 महीने में माल देने वाला है, तो हमारा 3 महीने का फॉरवर्ड रेट इस प्रकार है, ठीक है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट में, खाली यहाँ पे नाम बदल जाता है, स्पॉट की जगह फॉरवर्ड आ जाता है और वो कितने टाइम का है फॉरवर्ड रेट वो लिखा जाता है, ठीक है। तो बैंक बोलेगा कि भाई हमारा फॉरवर्ड रेट कुछ इस प्रकार से है। नाउ ये कैसे काम करेगा, फॉर एग्जाम्पल ऑन 1 जनवरी ये जो एक्सपोर्टर है वो बैंक के पास जाता है और बोलता है कि भाई मेरा जो डॉलर आने वाले हैं वो 3 महीने बाद आने वाले हैं, ठीक है, पर मेरे को एक्सचेंज रेट वाला जो रिस्क है वो नहीं लेना है, ठीक है। तो बैंक क्या बोलेगा कि नो प्रॉब्लम, हमारे साथ एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लो,
ठीक है। और आज हम दोनों जो रेट डिसाइड करेंगे उसी रेट पे मैं आपको 3 महीने बाद डॉलर के सामने रुपये दे दूंगा। सो अब क्या हुआ, इसके माथे पे जो रिस्क था एक्सचेंज रेट का, वो अब किसके पास चला गया, बैंक के पास चला गया। नाउ अगर ये बैंक्स चाहे तो ये अपना रिस्क आगे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जनरली मार्केट के अंदर मैंने जो बोला, ट्रेडर स्पेकुलेटर होते हैं जो पैसा कमाने का ट्राई करते हैं स्पेकुलेट करके, तो ये बैंक जो है वो उनको बुला के उनके साथ भी एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, और ये भाई साहब का जो रिस्क उसने लिया था वो बैंक वो स्पेकुलेटर या ट्रेडर को वो रिस्क दे देगी। ठीक है। सो अब होगा क्या, ऑन यहाँ पे मैंने ये 31 जनवरी नहीं है, 31 मार्च है, क्योंकि ये 3 महीने का है। ठीक है। तो 31 मार्च पे केस वन एक्सचेंज रेट पहुँच जाता है 67.20 पे। ठीक है। बट ये जो फॉरवर्ड रेट है इसमें कॉन्ट्रैक्ट बना है इन दोनों के बीच में, इसका मतलब बैंक जो है वो डॉलर कितने पे ख़रीदेगा, 69.10, और कितने पे बेचेगा, 69.20। ठीक है। तो भले ऑन 31 मार्च ये एक्सचेंज रेट जो है वो 67.20 पे पहुंच गया है, पर फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट के कारण एक्सपोर्टर को 1 डॉलर का कितना मिलेगा, 69.10। यहाँ पे एक्चुअली मिस्टेक है, ये 69.10 है। ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये कॉन्ट्रैक्ट की वजह से लगभग 2 रुपये पर डॉलर ये एक्सपोर्टर ने बचा लिए। ठीक है। अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया होता तो उसको ये रेट पे ही ट्रांजेक्शन करना पड़ता। ठीक है। तो उसको 2 रुपये कम मिलते। ठीक है। इसको बोलते हैं करेंसी हेजिंग या तो फॉरेक्स हेजिंग। ये जो एक्सपोर्टर था जिसने अपने आप को ये फॉरेन एक्सचेंज में जो वॉलीटिलिटी होती है उससे बचा लिया, उसी को बोलते हैं करेंसी हेजिंग या फॉरेक्स हेजिंग। नाउ केस नंबर टू, अगर ये एक्सचेंज रेट जो है वो बढ़ जाता है और 71.20 होता है, पर फिर भी ये एक्सपोर्टर को कितने रुपए में मिलेगा, 69.20। अगर इसको यहाँ पे बैंक लॉस से बचा रही है तो फिर यहाँ पे बैंक प्रॉफिट भी लेगी। ठीक है। दोनों साइड ये एक्सपोर्टर चांस नहीं ले सकता। अगर यहाँ पे वो बच गया है, उसका 2 रुपया सेव हुआ है, तो फिर यहाँ पे ये जो प्रॉफिट जो है 2 रुपये का, वो एक्सपोर्टर को नहीं जाएगा, वो किसको जाएगा, बैंक को जाएगा, क्योंकि बैंक ने ये रिस्क लिया है। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट करके सो एक्सपोर्टर एक्चुअली लॉस नहीं बोला जाएगा, पर बैंक को प्रॉफिट कितना होगा, अराउंड 2 रुपीज़ पर डॉलर। ठीक है। नाउ ये बैंक का जो स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट होता है एक ही दिन का, उसके अंदर जनरली प्रीमियम और डिस्काउंट कैलकुलेट किया जाता है। प्रीमियम और डिस्काउंट का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल स्पॉट रेट चल रहा है 1 डॉलर इज इक्वल टू 72 रुपीज़, सॉरी 70 रुपीज़, और फॉरवर्ड रेट चल रहा है 1 मंथ का 1 डॉलर इज इक्वल टू 72 रुपीज़। तो इसका मतलब ये है कि ये जो भी ऑथोराइज डीलर है या बैंक है वो ये सोच रही है कि ये जो डॉलर और रुपये का रेट है उसमें रुपये थोड़ा डेप्रिशिएट होने वाला है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि डॉलर महंगा होने वाला है, और डॉलर महंगा हो रहा है इसको ऐसा बोला जाता है कि डॉलर इज़ ट्रेडिंग एट प्रीमियम। ठीक है। तो ये कितना प्रीमियम है अगर वो ढूंढना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला लगाना होता है, फॉरवर्ड रेट माइनस स्पॉट रेट डिवाइडेड बाय स्पॉट रेट इंटू 100 इंटू 12/N। तो ये तो समझ में आता है, परसेंटेज निकालने के लिए हमने किया, पर ये 12/N का है। ये जो प्रीमियम परसेंटेज निकलता है वो एनुअल निकलता है। ठीक है। तो हमें जो एनुअल रेट लेना है परसेंटेज, उसके लिए 1 मंथ का फॉरवर्ड नहीं चलेगा। ठीक है। पर अगर 1 मंथ फॉरवर्ड रेट तुमको यूज़ करना है तो तुमको उसको क्या करना पड़ेगा, 12/N। 12 मीन्स 12 मंथ्स इन अयर, और ये एन का मतलब है कि ये कितने महीने का फॉरवर्ड है। ठीक है। तो ये फॉर्मूला में आप ये सारी डिटेल्स रखोगे तो आपको मिलेगा कि डॉलर जो है वो 34.28% प्रीमियम पे चल रहा है एनुअली। ठीक है। तो अगर डॉलर प्रीमियम पे चल रहा है तो इसका मतलब क्या है, रुपी जो है वो डिस्काउंट पे चल रहा है।
ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू लोगों के दिमाग में ऐसा है कि इसकी वैल्यू कम होने वाली है, ठीक है। वैल्यू मतलब ये नंबर नहीं, नंबर बढ़ रहा है इसका मतलब ये है कि रुपये की वैल्यू कम हो रही है, ठीक है। सो ये जो रुपी डिस्काउंट पे है वो डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकलता है, ये फॉर्मूला का उल्टा कर देना है, ठीक है। स्पॉट रेट माइनस फॉरवर्ड बाय फॉरवर्ड इंटू 100 इंटू 12/n। तो अगर इस तरीके से निकालोगे तो पता चलेगा कि जो रुपी है वो कितने डिस्काउंट पे है, 33.33% डिस्काउंट एनुअली, ठीक है। तो ये था ट्रेडिंग इन फॉरेक्स मार्केट, और इसके बाद जो है वो मैं स्वैप और डेरिवेटिव्स अलग लेक्चर में कवर कर दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।